अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रुमान एजाज एंड यू आर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल स्लैश एजुकेशन। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ब्रीफ कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि आखिर वो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो आखिर आती किस वजह से है। जैसे नोटिस किया जाए तो यहाँ पर मैंने एक बीकर ड्रॉ किया हुआ है और उसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसमें है प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब कि उसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं है। याद रहे कि वो सॉल्वेंट है, उसमें सोल्यूट भी नहीं, यानी वो सोल्यूशन नहीं है अभी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस सोल्यूट विच इज़ नॉन वॉलेटाइल। अगर आप लोग बुक पे फोकस करें तो वहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का बार बार लफ्ज़ है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब केमिस्ट्री में ये होता है कि वो सब्सटेंस या फिर वो सोल्यूट जो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता, या फिर वो अगर किसी सब्सटेंस में ऐड किया जाए तो वो उसके भी वेपोरेशन को कंट्रोल करता है, यानी उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वल होते हैं तो वो लिक्विड बॉयल कर जाता है। अभी मैंने बताया कि अगर उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब कि सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी कि वो अपने वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ कर सके, ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल आएगा तब भी वो लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सम ब्लैक डॉट्स एंड सम ब्लू डॉट्स, इसका मतलब है कि वो जो ब्लू डॉट्स है वो रिप्रेजेंट करे सोल्यूट को। बेसिकली होता है कि जब हम लोग किसी भी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सरफेस पे यहाँ पे नोटिस करिए तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं। इस वजह से वो उसके सर्फेस पे जो उसके वेपर्स एस्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक, हैंस इट इज़ अ सोल्यूशन, क्योंकि इसमें सोल्यूट भी ऐड हो चुका है और इसका वेपर प्रेशर जो है इसकी निस्बत कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। वो सब कुछ किस वजह से होता है? सिर्फ इस सोल्यूट के ऐड होने की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, जिसमें यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस में मेरे पास है टेम्परेचर और वाई एक्सेस में मेरे पास है वेपर प्रेशर, जिसको मैंने वीपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, जैसे कि सपोज़ अगर ये एक्स एक्सेस है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो यहाँ पे अगर ये ओरिजिन है यानी जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे होगा वन, यहाँ पे होगा टू। इन शॉर्ट कि टेम्परेचर इस साइड को इंक्रीज़ करता जाएगा और वेपर प्रेशर इस साइड को इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लिखा हुआ है दैट इट इज़ टी वन एंड दिस इज़ टी टू। इसलिए कि जब हम इस साइड से सपोज़ इसका अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर 30 होगा, यानी उससे ज़्यादा ही होगा। वो किस वजह से वो देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर के ये जो वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में हमारे पास वेपर प्रेशर है, वो इसका कि जब हम ये देखें, जैसे प्योर सॉल्वेंट है ना, इसको जब मैं हीट अप कर रहा हूँ, यानी कि इस साइड को जैसे कर्व इसका इस डायरेक्शन में मूव किया है, हीट अप कर रहा हूँ, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स वेपोरेट करेंगे। और ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट कि जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, वो लिक्विड बॉयल कर देगा। अभी नोटिस किया जाए तो मैंने प्योर सॉल्वेंट और उसके साथ एरो लगा के, यानी कि ए बी कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक, तो हैंस टेम्परेचर वन, जैसे मैंने बताया था ये टेम्परेचर कम है इससे, यानी टी वन टेम्परेचर जो कम है वो टी टू से, तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट जो है वो कम टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाएगा और जल्दी बॉयल हो जाएगा। उसी के साथ सॉल्यूशन, यानी कि अब मैंने उस प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और बॉयलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो अभी उसका कर्व जो है ना वो इससे नीचे आएगा और इसको ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी, इसलिए वो टेम्परेचर टी टू पे बॉयल किया। डेल्टा टी भी रिप्रेजेंट करेगा उस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, जो कि ये है टी टू माइनस टी वन, यानी कि द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन बॉयल्स माइनस द टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्वेंट बॉयल्स। ओके, सो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी है जो अभी प्रूव करिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की मैथमेटिकल फॉर्म भी है जिसको अभी देख लेते हैं। हम डेल्टा टी भी रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, जो इक्वल होता है द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन बॉयल्स माइनस द टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्वेंट बॉयल्स, यानी टी टू माइनस टी वन, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी भी
डिपेंड करता है मोडेलिटी पर, यानी कि ये उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है मोडेलिटी ऑफ सॉल्यूशन से। तो अभी मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके एक कांस्टेंट यूज़ करूँगा, तो वो कांस्टेंट है KB, जिसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। वेल, इट इज़ अ डिफिकल्ट वर्ड बट इट इज़ अ कांस्टेंट। तो m रिप्रेजेंट करता है मोडेलिटी को, स्मॉल m, बड़ा m मोडेलिटी को, ठीक, मोडेलिटी। तो मोडेलिटी m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट kg ऑफ सॉल्वेंट। ये बेसिकली फार्मूला है मोडेलिटी का। हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला पढ़ा है कि मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के, दैट मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो सॉल्यूट क्या ना, तो इसके लिए मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ दैट मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W2 के साथ, और ये G रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मास ग्राम्स में है। मॉलिक्यूलर मास M2G, जी से मुराद कि वो हम ग्राम्स में, और M2 रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ऊपर 1000, और नीचे W1 रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब ये ऊपर 1000 कैसे आया? सपोज मेरे पास यहाँ पे है 2 ग्राम्स, सॉल्वेंट का मास है 2 ग्राम हमारे पास। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ kgs में, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2 / 1000। तो अब ये 1000 यहाँ पे है ना, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन आ गया, तो ये वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक, दिस इज़ जस्ट बेसिकली फॉर द कन्वर्शंस। तो मोडेलिटी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, m इज़ इक्वल टू W2 / m2 इंटू 1000/W1। अभी इस मोडेलिटी को, इस फॉर्मूले को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। ΔTb इज इक्वल टू kb मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय W1। जैसे कि मैंने बताया कि m2 जो है ये मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, तो बेसिकली हम लोग इसकी डिटर्मिनेशन के लिए ही काम कर रहे हैं, तो बस इसको सब्जेक्ट करना है, यानी कि इसी को पॉइंट आउट करना है। तो इसको मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। m2 इज इक्वल टू kb मल्टीप्लाई बाय w2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ΔTb मल्टीप्लाई बाय। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो काफ़ी ब्रीफ और आसान कॉन्सेप्ट था इसका बहरहाल। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर देना।